MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम, MM5 News के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुप्रिंटेंडेंट इंडियाला जेल के चेयरमैन पीटीआई की बेटे से फोन पर बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम से इंडियाला जेल में बेटे से टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की दरख्वास्त पर समाप्त हुई। सुप्रिंटेंडेंट इंडियाला जेल ने जज अबुल हसन जुलगनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में सुप्रिंटेंडेंट इंडियाला जेल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने के केस में फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाप्त। 5 रुकनी कमीशन ने की दरख्वास्त। गुजार खालिद महमूद खान के वकील कमीशन के सामने पेश हुए। दौरान समाप्त वकील ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी। नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार, कई फीडर्स ट्रिप कर गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और गिरदनवाह में गर्द आलूद ठंडी हवाएं चलने के साथ ही बारिश बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं और बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। दर्जा हरारत में अगले रोज भी कमी का इम्कान है। नौशहरे फिरोज में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरसलान सलीम ने थारो शाह में सीरतुल नबी के उनवान से मुनाकिद होने वाले तीसरे सालाना मुकाबला हुस्ने कुर्रात नात और तकारीर के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की है। आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशा इस्लाम की तरफ से निज़ामुद्दीन चन्ना की रिहाइश गाह पर मिलाद मुस्तफ़ा का जश्न मनाया गया, जिसकी सदारत अमीर दादू मोहम्मद कामरान मलिक, बशीर अहमद चानियो, अब्दुल करीम जमाली ने की। जश्न में खसूसी शिरकत अब्दुल कादिर गुलाम रसूल, शौकत हुसैन चारन और अब्दुल कयूम चन्ना ने की। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजुमन सरफरोशा इस्लाम की तरफ से हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब निज़ामुद्दीन चन्ना साहब को, जिसने ये प्रोग्राम करके हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर किया। और अल्लाह पाक परवरदिगार कुरान पाक में फरमाता है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है मैंने भेजा है अपने महबूब को तुम्हारी रहमत बनाकर। आज का ये प्रोग्राम आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशा इस्लाम की जानिब से रखा गया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों के दिलों में इश्क अल्लाह और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करना है। अंजुमन सरफरोशा इस्लाम यही पैगाम दे रही है कि जहाँ भी हो, कहीं भी रहो, लेकिन अपने दिलों को इश्क अल्लाह और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं सब लोगों को, मुसलमान भाइयों को ईद मिलाद नबी की मुबारक पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा ये आज का दिन जो है सब ईदों से पहले यही ईद है हमारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने कहा कि ए हबीब, मैं तुझको दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन करके भेज रहा हूँ और आपके ज़िक्र को बुलंद कर रहा हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें सब कुछ मिला है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चलें। जहलम के नवाही इलाका तौर शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अंजुमन तुलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब की सदारत में महफिल मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया। महफिल मिलादुन्नबी में प्रिंसिपल जाहिद हुसैन साही बानिए अंजुमन तुलबा इस्लाम, मौलाना खालिद सियालवी, मौलाना अमजद हुसैन, मौलाना इलामा वकास चिश्ती, हाफिज नईम चिश्ती के अलावा अंजुमन तुलबा इस्लाम के कारकुनान, वारसी वेलफेयर के सरबराह शहजाद वारसी, मिनहाजुल कुरान के चौधरी मोहम्मद अफजल, इकबाल डार के अलावा इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। महफिल मिलादुन्नबी के ज़रिए एक फिक्री पैगाम तमाम मुसलमानों को दिया गया कि सिरत तैयबा पर चलने की कोशिश करें और अपने आकाए करीम की सुन्नत को अपनाएँ, ताकि हमारे किरदार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नज़र आए। आकाए करीम की सुन्नत पर अमल करके ही उनके उम्मती होने का दावा कर सकते हैं।
सुन्नत तैयबा पर चलने से ये साबित हो सकता है कि हम नबी करीम के उम्मती हैं। गोजर खान इजरम खयाम इलाके के मोतबर शख्सियत हाजी मोहम्मद ताज भट्टी की रिहाइशगाह पर हर साल की तरह महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरौनक रुख परवर खूबसूरत महफिल का अहतमाम मरूफ नातखवान अरसलान इजरम ने खूबसूरत कलाम पेश किया। पुरौनक रूह परवर मिलाद पाक जेर सदारत पीर सैयद नज़ीर बादशाह बुखारी दरबार आलिया कुन्हारिया शरीफ पीर सैयद मोहम्मद जाबर अली शाह हमदानी सजादा नशीन दरबार आलिया बंगाली शरीफ पीर सैयद ताहिर रजा बुखारी शरीफ मनाकिद हुई। जहानिया होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक जहानिया पर GHDA का अहम मशावरती इजलास जेर सदारत डॉक्टर इरशाद अहमद शेख चेयरमैन JHDA और जेर सरपरस्ती डॉक्टर मंजूर अहमद भट्टी मुनाकिद हुआ। डॉक्टर मुख्तार अहमद सदर JHDA डॉक्टर मोहम्मद असलम गुल सीनियर नायब सदर डॉक्टर राव मोहम्मद अयूब नायब सदर और दीगर ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस मौके पर डॉक्टर्स का क्या कहना था। आज हम सब दोस्त जहानिया होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन के जरिए तमाम डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असलम जहानिया होम्योपैथिक क्लिनिक स्टोर पर इकट्ठे हुए हैं। तो आज हमने यहाँ बैठ के मुशावरत की है सब दोस्तों ने कि रबी अलवल के सिलसिला में एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर प्रोग्राम किया जाएगा। नूर महल मैरिज क्लब रहीम शाह रोड पर मुनक़द होगा और उसमें लेक्चर होगा और नात खानी होगी। सब दोस्तों से इल्तमास है कि वहाँ शरीक हों और बाबरकत महफल पर रौनक बख्शे। डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हसन किलियानी और डिप्टी कमिश्नर जहलम की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा की जेर निगरानी महकमा सिविल डिफेंस जहलम की गैर कानूनी फ्यूल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद जानते हैं जहलम से डिप्टी ब्यूरो चीफ जहीर अब्बास से। जी जहीर आगाह कीजिएगा। आज मैं मौजूद हूँ महकमा सिविल डिफेंस जेलम में और मेरे साथ मौजूद हैं महकमा सिविल डिफेंस के चीफ मोहम्मद बूटा साहब जिन्होंने अफसरान बाला की हिदायत की रोशनी में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले और ऑयल एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की है। सर मजीद कुछ बताइएगा कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही है जनाब डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हसन कल्याणी साहेब और कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक साहब की हदायत के मुताबिक और हमारे सीनियर अफ़ीसर जनाब चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब की ज़ेर निगरानी में हमने पेट्रोल एजेंसियां, ऑयल एजेंसियां, इसके अलावा जो LPG डिकेंटर हैं जिनके पास अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट शेड्यूल फायर सेफ्टी मामलात क्लियर नहीं थे उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया है और मज़ीद भी हम क्रैक डाउन करेंगे। इसके अलावा तहसील दीना में, तहसील जेलम में और चक महमदा के इलाके में हमने मज़ीद बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन किया है। दीना में एक बंदा वायलेशन कर रहा था जो पेट्रोल की मशीन लगाए हुए बैठा था। हमें जूँ ही मौका मिला, हमें जूँ ही पता चला, किसी ने हाईलाइट किया तो हमें उसी दिन हम चले गए अपनी टीम लेके और उसके इस इनलीगल कारोबार को ब्रोक कर दिया, बंद कर दिया और दफ्तर में ये गैर कानूनी मशीन जो है शिफ्ट कर दी जो आपके सामने मौजूद है। और मज़ीद भी ये क्रैक डाउन हम करते रहेंगे, कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जो हाईलाइट करेगा, जो उसको हमें बताएगा, सोर्स के मुताबिक बताएगा कि फ़लाँ मकाम पे ये गैर कानूनी काम हो रहा है, यहाँ पे ऑयल एजेंसी चल रही है, यहाँ पे LPG डिकेंटिंग हो रही है, वहाँ पे हम क्रैक डाउन ज़रूर करेंगे। कोई बंदा हाईलाइट करे, महकमा 24 आवर्स गैर कानूनी काम में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने के लिए हर लम्हा तैयार है। DO महकमा सिविल डिफेंस गुलाम मुस्तफ़ा राई साहब का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से जहाँ हमारे नुमाइंदे खसूसी आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की मारूफ नौजवान समाजी शख्सियत इरफान मेमन की जानिब से सिंध धरती की अजीम सपूत साजिद हुसैन चाचर के एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद मुकामी होटल में किया गया जिसमें कम्युनिटी अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए साजिद हुसैन चाचर ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी मुहिब वतन है। सऊदी अरब में क़याम के दौरान बेहद प्यार करने वाले दोस्त मिले जिनकी बदौलत दियार गैर में वक्त गुजारना आसान हुआ। सऊदी अरब में कम्युनिटी के साथ गुजारे हुए कीमती लम्हात मेरा कीमती सरमाया होगा। तकरीब के मेज़बान इरफान मेमन का खिताब करते हुए कहना था कि साजिद हुसैन चाचर काबिल फ़ख्र दोस्त और रियाज कम्युनिटी का बेशकीमत सरमाया है। साजिद हुसैन एक वलवला अंगेज़ रहनुमा और करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं। उनकी कामयाबियों के लिए दुआगो रहेंगे।
तकरीब से मंजूर अली, गुलाम बशीर, रहीम बख्श, अमजद अली, चाचा इलियास, इफ्तिखार हुसैन और दीगर ने भी खिताब करते हुए साजिद हुसैन चाचड़ की कम्युनिटी के लिए की जाने वाली खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। महदूद वसाइल के बावजूद प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन सेवालाइन जहलम की मेहनत और लगन की बदौलत यह इदारा जहलम में मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है। तालीमी और समाजी हलके उनकी कायदाना सलाहियतों के मुतरफ हैं। मजीद जानते हैं कॉलेज में मौजूद ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन सिविल लाइन जेलम में, और मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल इदारा मैडम समीत इरफा साहिबा, जिन्होंने बहुत कम वक्त में इस कॉलेज के लिए वो कुछ किया जिसकी सबका दौर में हमें बहुत कम मिसाल मिलती है। इस साल भी जो कॉलेज का रिज़ल्ट है एंटर लेवल का, वो 100% रहा है। इसके बारे में हम मैडम की राय लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कॉलेज का एक नाम बन रहा है। लिमिटेड फैसिलिटीज़ के अंदर हमारी यही कोशिश है कि हम बच्चों को जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो प्रोवाइड कर सकें। इस साल भी जो हमारे एनुअल रिजल्ट्स थे वो रिमार्केबल रहे। प्री इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। प्री मेडिकल में 100% रिज़ल्ट इज़ अ काइंड ऑफ अचीवमेंट। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी सिदारे की अचीवमेंट है कि बच्चियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इंजीनियरिंग का भी हम 93% रिज़ल्ट दे सके। आर्ट्स के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस हमारा 97% रहा। इंग्लिश में बड़े टाइम बाद 73% रिज़ल्ट कॉलेज ने प्रोड्यूस किया। इसके अलावा दीगर आर्ट्स के सब्जेक्ट, लाइब्रेरी साइंस, फिलोसफी, पाकिस्तान स्टडी, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमारा 100% रिज़ल्ट रहा। लेकिन स्टिल थिंग्स आर इन प्रोग्रेस। में ये तो नहीं कह सकती कि हर चीज़ परफेक्ट हो गई है। ओवरऑल परसेंटेज में कुछ अभी हमारे मसाइल मौजूद हैं लेकिन हम इन पर वर्क कर रहे हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स जिसमें टीचर की शॉर्ट कमिंग्स थी, टीचर्स मौजूद नहीं थे, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ तो शुरू से इस इंस्टीट्यूशन का एक मसला रहा है। CTIs की वजह से कुछ मसला हल होता है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। मेरी उम्मीद है कि जितनी हमारी सैंक्शन सीट्स हैं आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट उस पर कुछ परमानेंट रिक्रूटमेंट्स करेगी और ये मसले भी हल होंगे, तो आने वाले वक्तों में मुझे उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे। कुल जेलम की समाजी तंजीमों का यही कहना है कि अगर इंतज़ामिया कॉलेज को मजीद सहूलियात की फराहमी करें तो ये कॉलेज पहले से भी ज़्यादा मजीद बेहतर नतीजे दे सकता है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।